बारह वफात के जुलूस को लेकर कोटड़ी में हालात बने हैं तनावपूर्ण। पुलिस व प्रशासन मौके पर मौजूद। हिंदू संगठन के लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। पुलिस के द्वारा भीड़ को हटाने के लिए हल्का बल भी प्रयोग करने की सूचना सामने आ रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस व प्रशासन दोनों ही मौके पर मौजूद है और काफी बड़ी तादाद में पुलिस की टीम वहां पर पहुंच गई थी सुबह ही जानकारी लगते ही, लेकिन अभी स्थिति जो है वो तनावपूर्ण है। लोग बैठ गए हैं और वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे हैं। किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है, लेकिन जुलूस को लेकर जो स्थिति है वो अभी हल्की तनावपूर्ण नजर आ रही है। हालांकि जो मौजूद लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, पुलिस की टीम क्योंकि बड़े पैमाने पर वहां मौजूद है, पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग भी किया जिससे भीड़ एक जगह पर एकत्रित ना हो और किसी तरह का माहौल क्रिएट ना हो पाए। भीलवाड़ा के कोतड़ी से तस्वीरें आप देख रहे हैं। जुलूस को लेकर जब ये जानकारी सामने आई थी कि पत्थर बरसाए जा रहे थे और फिर तमाम सारी चीजों से तार हिंदू समाज के चौहान एक और इस चीज को लेकर उनका जबरदस्त आक्रोश है, तो वहीं पुलिस की कोशिश यही है कि इस पूरे मैटर को, इस पूरे विषय पर हर एक जानकारी पुलिस जुटाए और उसके बाद भी कार्रवाई आगे बढ़े। बारापात के जुलूस को लेकर कोतड़ी में अभी भी स्थिति तनावपूर्ण है। हिंदू संगठन के लोग बैठे हुए हैं धरने पर, नारेबाजी पहले कर रहे थे और अभी हनुमान चालीसा का पाठ यहां बैठकर लोग कर रहे हैं। हिंदू समाज के लोग जिन्हें भी भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग किया।